एशिय मञ्चरु ना नने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री प्रहार। सीमापार आतंकवाद विरोध में निर्णायक लड़ई दरकार। पाकिस्तान सह चीन को भी आईना देखाइले मोदी। निंदा योग्य सही देश जी आतंकवाद प्रति दरदी। प्रधानमंत्री मोदी कहिले पुटिन और जिनपिंग सुनिले अवसर थिला सांघाई सहयोग संगठन बा एसीओ शिखर सम्मेलन एथर वर्चुआल मोड रे होतिबा ही सम्मेलन रे अध्यक्षता करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिरे रूस और चीन समेत एसीओ रो अन्य सदस्य राष्ट्र भी होइथिले सामिल। आतंकवाद प्रसंग रे चीन और पाकिस्तान को घेरिबा को एहा थिला बड़ा मौका आ पीएम ना ना नै आतंकवाद प्रसंग रे पाकिस्तान को करथिले प्रहार। मोदी कहिथिला आंचलिक और विश्व शांति पई आतंकवाद सबुठु बड़ा विपद। एही विपदर मुकाबिला पई निर्णायक कार्यानुष्ठान दरकार। किछि देश आतंकवाद को नीति बनाई सारी सेपरि देश को निंदा करबा को केही संकोच न करबा उचित। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसकी विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान प्रसंग भी एससीओ शिखर सम्मेलन रे उठाई थे प्रधानमंत्री। कही अफगानिस्तान रे जारी परिस्थितिर परिणाम सबु देशर सुरक्षा पाई विपद आ परोक्षर एथिपाई पाकिस्तान को करथिले दाय। पीएम कही पड़ोसी देश में अशांति सृष्टि तथा कट्टरपंथी विचारधारा को प्रोत्साहन देवाई अफगानिस्तान भूमि को व्यवहार करान जाऊ। अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री कहिथिले पांचटी स्तंभ उपरे निर्भर करुछि एससीओ रो सहयोग। स्टार्टअप, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल रो विस्तार और बौद्ध ऐतिहासिक विगत दुई दशंधि धरी यूरेशिया अंचल रे शांति समृद्धि और विकास पाई एससीओ एक गुरुत्वपूर्ण मंच बनी पारिछि बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। एक्सलेंसीज, भारत ने एससीओ की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत 140 से अधिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी की। मिलित जातिसंघ और अन्य विश्वस्तरीय मंच गुड़िक सुधार आणवाई एससीओ मजबूत स्वर बनी पार बोली निज अभिभाषण में कही मोदी। ईरान नुआ एससीओ सदस्य राष्ट्र भाव सामिल होइथिबारु अभिनंदन जनाइथिले प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।